वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, वरना आपको हमारे जो नए अपलोड्स होते हैं या जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी और जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती है जॉब वैकेंसीज उनसे वंचित रह सकते है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपके लेकर आए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड में निकली हुई भर्ती के बारे में। इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपके लिए एक सरप्राइज लाए हैं। हाँ जी, हमने आज के लिए एक सरप्राइज लाया है। आज की वीडियो में हम आपको अंत में क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर जो भी उम्मीदवार राइट देगा उन उम्मीदवारों का नाम हम हमारे वीडियो में, जो हमारी पहली वीडियो होती है सुबह की, उसमें नाम बताएंगे। तो हर सुबह आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले और राइट देगा उस व्यक्ति का नाम हम हमारे चैनल पे बताएंगे और अंत में उसका नाम हम घोषित करेंगे या उसको हमारे चैनल में फीचर होने का मौका मिलेगा। तो ये सुनहरा मौका आपके हाथों से ना गवाए, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और अंत में पूछे गए क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। और जो भी उम्मीदवार या जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर राइट देगी उसका नाम हम हमारे कल के सुबह के वीडियो में बताएंगे या हमारे चैनल में के जो वीडियो होती है उसके अंत में उसका नाम घोषित किया जाएगा। तो मल्टीपल नाम होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम होगा। जो भी व्यक्ति उस क्वेश्चन का आंसर राइट देगा उसका नाम हम हमारे वीडियो के अंत में घोषित करेंगे। तो फिलहाल बढ़ते हैं आज के जॉब की ओर। कैंटोनमेंट बोर्ड ने हाल ही में ही भर्ती जारी की है जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट मास्टर और प्यून, पंप अटेंडेंट, आया, माली और प्लम्बर के पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है 12वीं पास, और बहुत से वैकेंसीज है तो ऐसा नहीं है कि 12वीं पास ही अप्लाई कर सकते हैं, 8वीं पास भी जो उम्मीदवार है वे भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI पास तथा ग्रेजुएट पास उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते है। सिलेक्ट होने पे आपको प्रतिमा बहुत अच्छा वेतन यहाँ पर मिल सकता है। मिनिमम 15,500 से आपको 25,300 तक पर मंथ वेतन मिल सकता है। और एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं, 18 से 25 साल के जो उम्मीदवार है इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश है, यानी सिलेक्ट होने पे आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश में होगी। तो हमारे जो भी उम्मीदवार मध्य प्रदेश से है ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 30 अप्रैल 2018। तो आप देख सकते हो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अधिकतम 30 अप्रैल तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और 30 अप्रैल के बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा, ये भी आप जान लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए 8वीं पास है, 12वीं पास तथा ITI डिग्री या ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही कहा, एज लिमिट यहाँ पर 18 से 25 साल है, अधिकतम 25 साल के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाके एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर अप्लीकेबल है, वो आप आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट के द्वारा होने वाली है तो ये भी आप जान लीजिएगा। इंटरव्यू पैनल भी आपकी इंटरव्यू लेगी। पे स्केल तो जैसे हमने आपको पहले ही बता दी है तो वापस एक बार वो बताने की जरूरत नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए आप mponline.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, उस पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म की लिंक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट gvtjob.com पे मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। कैंटोनमेंट बोर्ड में भर्ती निकली है और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास है। पोस्ट बहुत सारे आप जैसे हम देख सकते हो, वापस एक बार आपके लिए हम पढ़ के दिखाते हैं। जूनियर क्लर्क, प्यून, असिस्टेंट मास्टर इत्यादि है, आगे जाके और बताएंगे हम आपको। प्यून है, पंप है, आया है, माली है और प्लम्बर है। तो 7 वैकेंसीज आप यहाँ पर आप देख सकते हो। PDF में क्या जानकारी दी है उसके बारे में हम जानकारी देख लेंगे। तो आप ये PDF देख सकते हो, यहाँ पर जो जानकारी हमने आपको बताई वही जानकारी आपको वापस एक बार बताई गई है। तो यहाँ पर और एक जानकारी एक्स्ट्रा हमें मिल रही है कि इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको हिंदी लिखना और पढ़ना आना जरूरी है, भले आप 8वीं पास हो तो भी। तो ये एक क्लॉस है, पास्ट हायर सेकेंडरी पंप अटेंडेंट के लिए है जो पोस्ट है, उसके लिए उम्मीदवार ने ITI पास किया होना जरूरी है। प्लम्बर की जो वैकेंसी है उसके लिए भी 10वीं पास विद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड ITI सर्टिफिकेट ऑफ प्लम्बर, यानी प्लम्बर का सर्टिफिकेट उम्मीदवार के पास होना जरूरी है। अप्लीकेशन ऑनलाइन तरीके से स्वीकारे जाने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एग्जाम फी भरनी पड़ेगी, एग्जाम फी है 200 रुपये और आपको ऑनलाइन तरीके से भी वो भर सकते हो। ST कैंडिडेट्स को फी नहीं भरनी है और लास्ट डेट फॉर द सबमिशन अप्लीकेशन विल बी 30 डेज फ्रॉम द पब्लिशमेंट ऑफ डेट इन रोजगार समाचार।
तो ये जानकारी बताई गई है 1/4/2018 को पब्लिश हुई थी, यानी कुछ दिन पहले ही हुई है, और अंतिम डेट है 30 अप्रैल 2018। जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट मास्टर, मिडिल स्कूल टीचर, प्यून, प्लम्बर, अटेंडेंट, आया, माली इत्यादि के पोस्ट के लिए वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो हमारे जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए उत्सुक है, यदि आपके पास जो स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास है, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग परमानेंट पोस्ट एज पर डिटेल्स मेंशन्ड अगेंस्ट। यानी परमानेंट पोस्ट है, सिलेक्ट होने पर आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, पर ये परमानेंट जॉब है, तो आपको बिंदास आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे जो भी उम्मीदवार मध्य प्रदेश से है, इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, तुरंत अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम कॉन्टेस्ट रख रहे हैं हमारे चैनल पे, और उस क्वेश्चन का आंसर यदि आप बराबर देते हो तो आपको हमारे चैनल पे फीचर होने का मौका मिलेगा, यानी वीडियो में आपका नाम आ सकता है। तो आज के क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मच डज अ 13 ईयर्स ओल्ड ब्रेन वेट, यानी 13 साल के जो बच्चे होते हैं या कोई भी लड़की लड़का हो, उनके जो ब्रेन होता है, ब्रेन का वेट क्या होता है। तो जो ब्रेन का वेट क्या है आपको गेस करना है, और जो भी उम्मीदवार इसका आंसर सही देंगे उनका उनका नाम हम हमारे ऑफिशियल जो वीडियो होती है ये वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा और नाम घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तीन ऑप्शन है आपके पास, 500 ग्राम, 900 ग्राम, 1.4 kg। तो वापस एक बार आपके लिए बता देते हैं कि हाउ मच डज अ 13 ईयर्स ओल्ड ब्रेन वेट, यानी 13 साल के व्यक्ति का जो ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है, वजन कितना होता है। तो उसके तीन ऑप्शन हमने बताए हैं आपको, 500 ग्राम, 900 ग्राम और 1.4 kg। तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर बराबर देगी उसका नाम हम हमारे वीडियो में, अगले आने वाली वीडियो में या कल के जो वीडियो होगी उसमें हम उसका नाम घोषित करेंगे। तो दोस्तों, ये है आज का क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी, और कैंटोनमेंट बोर्ड में भर्ती थी तो जल्द इस आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और जो भी व्यक्ति जिस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बराबर देगी उसका नाम हम हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे या वीडियो में अंत में बताएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।